नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। कोरोना वायरस, इस नाम को सुनते ही आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजह है कोरोना वायरस का कातिल होना, क्योंकि इसकी चपेट में अब तक 1350 लोगों की आने से मौत हो चुकी है और करीब 60,000 मरीजों में वायरस कंफर्म हो चुका है। हालांकि भारत ने कहा है कि कोरोना को हराने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के नाम से अब दुनिया कांप रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से अब पूरी दुनिया दहशत में है। कोरोना के विकराल होते आकार से हर कोई डरा हुआ महसूस कर रहा है। वजह वाजिब भी है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस के कहर से अकेले चीन में ही 1,365 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। करीब 60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दुनिया के 28 देशों में कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये डराने वाले आंकड़े कोरोना वायरस को और कातिल बना रहे हैं। चीन का वुहान शहर खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। शहर का हर बाशिंदा चेहरे पर मास्क लगा चुका है। डॉक्टर भी मास्क में हैं और सरकारी अधिकारी भी। अकेले बुधवार को ही चीन में कोरोना वायरस ने 254 लोगों को अपना शिकार बना लिया और उसी दिन 15,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि भी हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना चीन और दुनिया भर को अपनी कातिल चपेट में लेता जा रहा है। चाइना के अंदर, पहले मैं चाइना के अंदर जो केसेस की जानकारी हमारे पास ऑफिशियल है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। वो आज तक 48,206 केसेस वहां पर आए हैं। चाइना में डेथ्स हुई हैं अभी तक, उनकी संख्या 1,310 है। 28 देशों के अंदर टोटल अभी वायरस हमारी जानकारी के हिसाब से है। पूरे वर्ल्ड में आउटसाइड चाइना अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं। केसेस चाइना के बाहर पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या 570 है। चीन से फैली इस महामारी से पूरी दुनिया फिक्रमंद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 15 विशेषज्ञ डॉक्टर इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जो वहां के स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर कोरोना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ मंगलवार और बुधवार को ही चीन में इस महामारी से 351 लोगों की मौत हो चुकी है। हुबई प्रांत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में 44% का इजाफा दर्ज किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि करीब 2,00,000 से ज्यादा लोग चिकित्सकों की निगरानी में हैं। कोरोना के फैले मृत्यु जाल से बचने के लिए कई देशों ने चीन जाने वाली अपनी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। न सिर्फ चीन जाने वाली उड़ानों पर रोक है, बल्कि चीन से आने वाली फ्लाइट और लोगों पर भी पहरा लगा दिया गया है। खबर तो यहाँ तक है कि उत्तर कोरिया में कोरोना का खौफ ऐसा है कि एक संदिग्ध को सरेआम गोली मार दी गई। चीन से लौटे उस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकारी मनाही के बावजूद एक सार्वजनिक स्नान स्थल पर पहुंच गया था। उत्तर कोरिया ने भी एहतियात के तौर पर चीन से आने वाले विमान और ट्रेन पर पाबंदी लगा दी है। कई देशों के बड़े बड़े क्रूज शिप समंदर में ही खड़े हैं, जिनमें हजारों की तादाद में टूरिस्ट और क्रू मेंबर मौजूद हैं, लेकिन कोई देश उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं दे रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के 3 मरीजों पर डॉक्टरों की नजर है। हालांकि इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के साथ माहौल में दहशत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है। कोरोना वायरस का खतरा अब भारत के भी करीब पहुंच गया है। इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार सतर्क है। सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन से जापान, जापान से हिंदुस्तान, हर तरफ कोरोना वायरस से मचा है कोहराम। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की दहशत में हैं और कोरोना की काट खोजने की कोशिश में लगे हैं। चीन में हर दिन सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला रहा ये वायरस अब भारत के करीब पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की दहशत ने केंद्र सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोरोना को भारत में पैर पसारने से रोकने के लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक हाई लेवल मिनिस्टर ग्रुप यानी GOM बनाया गया है।
मंत्रियों का ये समूह देश में कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों और तैयारियों पर निगरानी रखेगा और वक्त वक्त पर हालात की समीक्षा करेगा। गुरुवार को इस मंत्री समूह की बैठक हुई जिसमें कोरोना वायरस पर प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही देश में अब तक सामने आए कुछ मामलों पर जीओएम को जानकारी भी दी गई। बैठक में भी बताया गया COVID-19 रोग के प्रबंधन में क्या एहतियाती कदम और उठाए गए। इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों के वीजा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने जैसी यात्रा एडवाइजरी भी शामिल हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उन दो सेंटरों की भी जानकारी दी गई जिनमें चीन से निकाल कर लाए गए 645 लोगों को रखा गया है। यहां रखे गए सभी लोगों की हर दिन जांच की जा रही है। जांच में जहां सभी लोगों का COVID-19 टेस्ट नेगेटिव आया है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक 249,447 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 21 हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पोर्ट्स और बॉर्डर एंट्रीज, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाली सभी फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक निगरानी के तहत 15,991 लोगों को रखा गया है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव हर दिन उठाए जाने वाले कदमों और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम भी शुरू किया जा चुका है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में इस मंत्री समूह की बैठक हुई जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि कोरोना से निपटने के लिए जरूरी दवाइयों का 2 से 3 महीने का स्टॉक किया जा चुका है। ये जो इशू है इसको हम लोग लगातार सब लेवल्स पर, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग पर्सनली बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक और इस मिनिस्ट्री में और देश भर में सभी साथ में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के साथ भी कैबिनेट सेक्रेटरी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में मदद ले रही है। आज तक हमने करीब 1756 सैंपल्स को टेस्ट किया है और इन 1756 सैंपल्स में से 3 केवल पॉजिटिव आए हैं जिन केसेस का मैंने आपसे जिक्र किया है। इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि केरल में भर्ती 3 मरीजों में से 1 को छुट्टी दी गई है। हालांकि 15,000 से ज्यादा लोग अब भी निगरानी में हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि सरकार की तैयारी कोरोना की रोकथाम में कितनी कारगर साबित होती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हर गुजरते दिन के साथ ये वायरस और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उस पर सितम ये कि अब तक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिक इस महामारी का इलाज ढूंढ नहीं पाए हैं। यकीनन इन वायरस को कैद करना हवा को कैद करने जैसा है, लिहाजा जो कोशिशें एहतियातन की जा रही है उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मगर इस बीच राहत देने वाली खबर ये है कि केरल के डॉक्टरों ने इस वायरस का तोड़ निकाल लेने का दावा किया है। चीन इन दिनों कोरोना वायरस की भयानक चपेट में है और वहां इस वायरस की वजह से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी की काट यानी इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक की तमाम कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इधर दुनिया से अलग भारत ने इस वायरस से लड़ने की जो कोशिश की है उससे एक उम्मीद जगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केरल के त्रिशूर में कोरोना वायरस से पीड़ित एक शख्स अब तेजी से रिकवर कर रहा है। पहले जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई थी,
लेकिन जब इलाज के कुछ दिनों बाद उसकी फिर से जांच की गई तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर इलाज और दवाएं काम आई हैं। चीन से लौटने के बाद उसकी स्क्रीनिंग के दौरान जब अधिकारियों को उसके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला तो उसे आम लोगों से अलग आइसोलेशन वार्ड में रखकर उसका इलाज शुरू किया गया। इसमें डॉक्टरों ने मरीज को कुछ नई दवाएं दी और डॉक्टरों की ये कोशिश तब रंग लाई जब उन्होंने अगली जांच में ये पाया कि मरीज न सिर्फ पहले से बेहतर हालत में है बल्कि उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव से बदलकर नेगेटिव हो गई है। मरीज की सेहत में ये बदलाव किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस बीमार शख्स का सैंपल केरल के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की यूनिट यानी UIV की तरफ से लिया गया था। अब उस नौजवान के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग UIV की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बता दें कि उसे 30 जनवरी को कोरोना वायरस से पीड़ित घोषित किया गया था। हालांकि अभी तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है कि डॉक्टरों ने चीन से लौटे कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को आखिर कौन सी दवा दी और इसका फॉर्मूला कैसे ईजाद किया। हालांकि खुद डॉक्टरों की एक टीम अब ये पता करना चाहती है कि इसी फॉर्मूले का कोरोना के किसी दूसरे मरीज पर क्या असर होता है, क्या ये दवाएं किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील कर सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ये यकीनन दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं होगी। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने का डर भारत सरकार को भी है, लिहाजा वो इससे होने वाले खतरे को लेकर सतर्क है। जगह जगह सावधानी बरती जा रही है, विदेशों से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में कुछ लोगों पर कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे और भी राज्यों में इसके फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। आपको बता दें कि केरल में 2500 से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें 2435 लोग अपने ही घरों में सबसे अलग रखे गए हैं, जबकि 93 लोग अस्पतालों में निगरानी में हैं। अभी तक केरल में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि 193 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन मरीजों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं उनकी हालत में भी सुधार हो रहा है। लेकिन इतने से ही कोरोना का डर खत्म नहीं हो गया बल्कि अभी और बढ़ रहा है, क्योंकि केरल से सटे तमिलनाडु में 1351 लोगों को कोरोना के शक में निगरानी में रखा गया है। उनमें से 1115 लोग सीधे चीन से आए थे। तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, तिरुवरूर और कन्याकुमारी में 7 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है। त्रिची में 38 साल के एक शख्स के ब्लड सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। बुखार और जुकाम की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और फिर आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना का प्रकोप फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर नेपाल सीमा से सटे यूपी के गोरखपुर जिले में भी कोरोना वायरस के संदिग्धों की देखभाल और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल चीन से भारत लौटे जो 46 लोग कोरोना के शक के दायरे में हैं, उनमें से 3 लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हैं, जबकि 2 लोग पीलीभीत और बाकी लोग गोरखपुर जिले के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी शख्स में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन उन्हें एहतियात बरतने को कहा गया है। आज तक ब्यूरो। आखिर ये कोरोना वायरस है क्या और इंसानों में ये फैला कैसे? चीन के कुछ वैज्ञानिक पैंगोलिन, जैसे चिटी खोर भी कहा जाता है, उसे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि पैंगोलिन से पहले कहा जा रहा था कि ये कोरोना वायरस चीन में सांप खाने और चमगादड़ का सूप पीने की वजह से फैला है। कुछ इसके लिए सुअर के मांस को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। अब तो सवाल यह है कि आखिर यह पहचान कैसे हो कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है। हालांकि इसकी पहचान करना आसान नहीं है। बिना टेस्ट के ये कह पाना कि कोई कोरोना से ग्रसित है ये काफी मुश्किल है, लेकिन इसके लक्षणों से अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस की पहचान इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके लक्षण भी स्वाइन फ्लू जैसे ही है। कोरोना से पीड़ित लोगों को नाक बहने और बुखार की शिकायत होती है।
इसके अलावा उन लोगों में जुकाम, खांसी और गले में खराश की शिकायत भी आम है। कोरोना से पीड़ित लोगों को सिर में तेज दर्द हो सकता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनका बुखार निमोनिया में बदल जाता है, उनके फेफड़े में भी संक्रमण हो जाता है जिससे किडनी को भी नुकसान होता है। कोरोना वायरस जानवरों के अलावा एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, ऐसे में इससे बचाव के लिए काफी सावधानी और सतर्कता जरूरी है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए करना क्या है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ रखने पर ध्यान दें। इसके लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय मुंह ढकें ताकि संक्रमण न हो। आपस में हाथ मिलाने से बचें। सार्वजनिक जगहों पर कुछ भी छूने से बचें। खाना अच्छी तरह पकाएं। सब्जी और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। मीट अंडे अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। जानवरों के संपर्क में आने से बचें। अपने आसपास सफाई रखें और गंदगी न फैलने दें। आंख, नाक, मुंह पर हाथ लगाने पर तुरंत हाथ धोएं। रोगी या बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। सार्वजनिक जगहों पर N95 मास्क पहनें। बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। इम्यून सिस्टम बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। आज तक ब्यूरो। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इतने दिनों के बाद भी शाहीन बाग के मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका है। गुरुवार को शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने वैलेंटाइन डे मनाया और पीएम मोदी को यहां आकर लोगों से मिलने का संदेश दिया। वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन, लेकिन प्यार का ये दिन शाहीन बाग के लिए विरोध का जरिया बन गया। शाहीन बाग ने अनोखा प्रयोग किया और इस दिन को अपनी आवाज उठाने का जरिया बना लिया। वैलेंटाइन डे के दिन शाहीन बाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पैगाम भेजा। वैलेंटाइन डे का संयोग और गाने का प्रयोग कर शाहीन बाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वो यहां आएं, लोगों से मिलें और शाहीन बाग का कोई रास्ता निकालें। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी गुरुवार की रात शाहीन बाग का इलाका कुछ ऐसे ही नारों और गानों से गूंज उठा। वैलेंटाइन डे की पूरी संध्या पर आज सात लोग देख सकते हैं किस तरह से शाहीन बाग में यहाँ पर बाकायदा एक युवा ग्रुप अपना प्रोग्राम दे रहा है और साथ ही साथ जो गिफ्ट वैलेंटाइन का है वो भी तुम कब आओगे हैशटैग के साथ। दो महीने से ज्यादा वक्त से धरने प्रदर्शन पर बैठे लोगों के बीच युवा नाम का एक ग्रुप पहुंचा। इस ग्रुप ने यहां अपने अंदाज में लोगों से जोड़ने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजा। आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए? आप बताइए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उन्होंने अभी दिल्ली में कहा था कि शाहीन बाग संजोग नहीं प्रयोग है, तो अगर माना भी जाए कि ये प्रयोग है तो आगे देखना भी चाहिए कि प्रयोग कितना प्रभावशाली है। इस दौरान महिलाओं के हाथों में वैलेंटाइन डे लिखे पोस्टर के साथ मोदी तुम कब आओगे जैसे स्लोगन वाले पोस्टर भी दिखाई दिए। साथ ही वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन में गाने के साथ गिफ्ट भी रखे गए जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए थे। इस आयोजन का मकसद क्या था वहां जुटे लोगों से ही जानते हैं। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी इसका एक सोल्यूशन चाहते हैं कि इसका एक बीच का सोल्यूशन निकले, इस मुद्दे का हल निकले। हम भी उनको कब से बुला रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि वहाँ का डेलीगेट्स आए हमसे बात करें, हम उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये मसला जो है वो बातचीत से ही सॉल्व होने वाला है सब। इस आयोजन का मकसद था कि प्रधानमंत्री को ये संदेश भेजा जाए कि वो यहाँ आकर लोगों से मिले
और 2 महीने से जारी इस विरोध प्रदर्शन का कोई समाधान निकालें। इससे पहले शाहीनबाग की लड़ाई को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये जस का तस जारी है। फिलहाल आने वाले कुछ और दिनों में शाहीनबाग का कोई रास्ता निकालने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से राम किंकर के साथ आज तक ब्यूरो।